हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे, भाजपा विधायक नीतीश राणा की खुली धमकी। दर्ज हुआ मामला, भाजपा विधायक नीतीश राणा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नीतीश राणा पर भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। भाजपा विधायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 302, 153 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। नीतीश राणा पर दो अलग अलग मौकों पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दो FIR दर्ज की गई है। एक श्रीरामपुर, दूसरा तोपखाना थाने में मामला दर्ज किया गया है। तोपखाना पुलिस आज यानी सोमवार को नीतीश राणा को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। नीतीश राणा ने एक कार्यक्रम में मुसलमानों को खुली धमकी दी और कहा कि मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे, जिस जुबान से बोलेंगे उस जुबान को नहीं रखेंगे। अहमदनगर में रामगिरी महाराज के समर्थन में मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में बड़े पैमाने पर हिंदू समाज के लोग मौजूद थे। मोर्चे के बाद नीतीश राणा की एक सभा हुई जिसमें उन्होंने मुसलमानों को खुली धमकी दी। राणा ने कहा कि हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा तो मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे, जिस जुबान से बोलेंगे उस जुबान को नहीं रखेंगे। अब इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे जांच कर रही है। कशाला द्यायचं आम्ही आमच्या पोलिसांना त्रास? आम्हाला पण बघायचं आहे ना कुठले दिशेने येतात आणि कसे परत जातात, आम्हाला पण पाहायचं आहे कसे थोबडे कसे फिरतात त्यांचे। परत सांगून ठेवतो, पाहिजे तर हिंदी मध्ये सांगतो वापिस एक बार, अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर